तो ये वाली गाड़ी फाइनली लॉन्च हो गई है, क्रेटा टॉप मॉडल। बहुत ही उत्सुकता था मुझे, साइड के ग्रिल्स भी बहुत अच्छे लगे हैं। अब कवर अप के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि फ्रंट ग्रिल में क्या चेंजेस है और इलेक्ट्रिक की कौन सी गाड़ी है जिसका ये थोड़ा सा मिलता जुलता दिख रहा है। बट थोड़ा सा रेस्ट, तुरंत फिर कवर करता हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले फ्रंट का एक लुक मैं आपको दिखाता हूँ। न्यू DRL का फॉर्म इंडिकेटर सेटअप है। ये वाले लुक के कारण आई थिंक इसके ब्रॉडनेस काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ये सेम वही फॉर्मेट डिज़ाइन पे है, बट जो इसका और ग्रिल का अंतर है जिसके कारण आई थिंक ये थोड़ी सी चौड़ी लग रही है गाड़ी, जैसे आप इस पैमाने में देख पा रहे होंगे वहीं पर सेंटर में लोगो। इसके अलावा मैं आपको ना बाहर अंधेरे में भी ये DRL का सेटअप कैसे लगेगा बताता हूँ। फिलहाल रोशनी यहाँ पर है तो इसके हिसाब से इतना DRL फॉर्म चमक पे आ रहा है। उसके अलावा कुछ इस प्रकार के इसमें अलॉय व्हील के सेटअप विच लुकिंग एब्सोल्युटली गुड। बीच में Hyundai का लोगो मोनो, और वहीं पर सेक्शन के बारे में बात करें सो इट इज़ 215/60 R17 inch के इसमें मिल जाते हैं। साइड से इसका कैसा लुक है तो वैसा है। पीछे के इस डिज़ाइन पे थोड़ा सा एक यूनिक फॉर्म पे DRL है, और ये स्लिक डिज़ाइन अब बेस्ट हो चुका है। क्लोज बाय अगर लुक दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से ये लहर जाता हुआ वहाँ तक दिखेगा। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ कोर्स, इस रोशनी में भी देख लीजिए, अंधेरे में भी दिखाता हूँ, ये जो Hyundai है उसके ऊपर अब ग्लास कवर हो गया विच इज़ लुकिंग अ लिटिल बिट क्लासी। और पीछे से लुक इसका कैसा है तो क्रेटा कुछ ऐसा दिख रहा है। अब वहीं इंटीरियर का एक बेस्ट पार्ट मैं दिखाता हूँ, जो ये सामने का फॉर्मेट हम ID तो गजब कर दिए हैं, साथ ही साथ डिस्प्ले फॉर्मेट। तो सिंपल सी बात है कि टॉप मॉडल इन्वेस्टमेंट पे ही ऐसे झलक मिलेंगे, बेस मॉडल पे ये सुविधा नहीं मिलेगी। बट प्रॉफिट बेनिफिट, 360 डिग्री कैमरास, जो कैमरा क्वालिटी है वो इवन टच, और सेंसेशन भी काफ़ी अच्छा है। जैसे यहीं पर देख लीजिएगा, हल्का सा डोर मेरा ओपन है उसका वो जानकारी बता रहा है, और वहीं पर जैसे मैं बंद करूँ तो प्रॉपर इसी प्रकार का इंडिकेशन गायब हो जाता है। फिलहाल ये जो झलक देख रहे हैं ये रही गाड़ी और बगल से लोग जाते हुए, और ये सेम पार्ट यहाँ पर डिस्प्ले के तौर पे तट हो रहा है। वहीं पर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे ये कुछ बता रहा था मैं नेक्सॉन में भी पिछले बार बताया था, तो वो जैसा प्यारा टच दिया हुआ है उसमें, ये भी ऐसा एक सटीक है। और वहीं पर जैसे बैक करेंगे तो आपको ये नॉर्मल चीज़ चालू हो जाता है। MID स्क्रीन का झलक मैं हल्का सा दिखा देता हूँ, लेफ्ट साइड कि आपको 0 से लेकर 240 किलोमीटर तक की वो स्पीड दिखते हैं, क्लियर करंट टिप वगैरह सब चीज़, और चालू होने पर कुछ ऐसा झलक मिल जाता है। बीचों बीच में दिखा रहा है टायर प्रेशर, फिर ड्राइव टू डिस्प्ले वगैरह सब चीज़, और यहाँ वाले के इन्फॉर्मेशन में बता दिया था, और ये कुछ झलक में ऐसा है। कंट्रोल सिस्टम अच्छा है बिकॉज ऑफकोर्स टॉप मॉडल है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें टॉप नॉच मिली हुई है। वहीं पर नीचे देख रहे होंगे सेंटर कंसोल में क्या क्या चीज़ें, तो ये झलक है। फिलहाल ऑटोमेटिक वेरिएंट में मैं बैठा हुआ हूँ, और बेस मॉडल हमारे सिटी पे लगभग ये जाने वाला है 12,72,000 के रुपए में। आपके सिटी में कितना जा रहा है बताइए, और टॉप मॉडल एग्जैक्ट इसका मुझे अभी काउंट नहीं हो रहा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहीं टॉप मॉडल का एक और गजब चीज़ कि आपको जिगांटिक पैनारोमिक सनरूफ मिलता है, और सीट कम्फर्ट के बारे में भी मैं बात करूँ तो फिलहाल ये लेग स्पेस के हिसाब से काउंट करिएगा, और ये रहा एक प्रॉपर लेग स्पेस, थोड़ा सा शॉर्ट आ रहा होगा बता देता हूँ, हाँ लाइक दिस 5 फुट 10 इंच में हूँ उसके हिसाब से लगभग ये इतना काउंट होता है। सीट भी कंफर्टेबल है और थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक दिया हुआ है, और पीछे से ग्लेंस कैसा है तो वो कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब थोड़े से ना अंधेरे में ये सामने का DRL कैसे दिखता है वो भी मैं आपको झलक बता देता हूँ, और जो DRL का सेटअप साथ ही साथ सामने का हेडलैम्प्स, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। ये जो छोटा भाग अभी जला हुआ नहीं दिख रहा है ये इंडिकेटर है, और ये टोटल ब्लैक कलर नहीं, हल्का सा ग्रेनिश फॉर्म में है। और सामने का ग्रिल कैसा है तो वो कुछ इस प्रकार से, जिसमें Hyundai का काफ़ी बड़ा लोगो सामने मिल जाता है। इसके अलावा बताइए कि उस रोशनी में जैसे मैं अंदर दिखाया और इस बाहर वाले पे ज़्यादा बेहतर आपको कौन सा लग रहा है।